हम आपको देखते हैं कहाँ से आप इतने दिनों में कोई इवेंट में नहीं। मैं घर में छुपी रहती हूँ। आपकी मम्मी की पर मम्मा सबकी दोस्त है, मम्मा बहुत आगे हैं। लग रहा है क्या? थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई गेस आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया, वो बहुत मैटर करता है और मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं भाविन के सॉन्ग के लॉन्च के लिए आई हूँ और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम से पता है कि उसे गाना गाना बहुत पसंद है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी एक्साइटेड। फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी होगा तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी। चले सुपर, थैंक यू। हाँ जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक भाविन को मैं पहले से जानती हूँ, जब हम स्प्लिट्स हम साथ में किए थे, सो उस वक्त तो मुझे पता था दैट ही इज़ अ वेरी 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 फैब एक्टर, नो डाउट इज़ अ फैब एक्टर। बट अब मुझे पता चला ही इज़ अ वेरी गुड कंपोजर एंड अ सिंगर टू। सो यू नो सर, हाँ जी फिर से चलेगा। अच्छा कहाँ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, रेडी? ओके हाँ जी। सो आज के लिए आई जस्ट वांट टू कंग्रेचुलेट भाविन बिकॉज आज उसके लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। यस, वो एक उम्दा एक्टर तो है ही, लेकिन साथ साथ आज पता चला वो एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर और कंपोजर भी है। सो आई जस्ट रियली वांट टू विश हिम ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एंड ऑल्सो समीक्षा, जो बहुत ही अच्छा काम किया है। एंड द सॉन्ग इज़ प्रीटी रोमांटिक एंड वेरी गुड, सो या इट्स एंजॉयबल, या वेरी नाइस। जी मैं वही कह रही हूँ कि उन्होंने बहुत ही प्यारा गाना गाया है। मैं नहीं जानती थी कि वो कभी मतलब सिंगर भी है, आई मीन वो सिंग कर सकते, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल, यू नो, बहुत ही अच्छा है। आई थिंक एक आर्टिस्ट को गाना बजाना एक्टिंग सब आना चाहिए। सो या थैंक यू सो मच। अरे कर लो यार, इतना कुछ बुरा नहीं लग रहा। गो फॉर इट, या नाउ आई नो। हाँ और क्या, व्हाट डू यू वांट? वैसे हाय, सो भाविन भानुशाली इज़ बीन अ गुड फ्रेंड एंड मैं उसके सॉन्ग लॉन्च पाई हूँ दिल विच, मैंने पहले ही सुना था एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू बी हियर एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर फॉर हिम। सो या वी हैव डन अ वेब शो टुगेदर, वी हैव डन एन एपिसोड फॉर रात्रि की यात्री व्हिच इज येट टू कम ऑन हंगामा एंड दैट्स हाउ वी बिकेम फ्रेंड। वाज अ वेरी नाइस एपिसोड एंड या दैट्स हाउ आवर फ्रेंडशिप जर्नी स्टार्टेड। एक्चुअली मुझे पता था क्योंकि मैं जब शूट पे गया था तो आई न्यू दैट ही इज गोइंग देयर फॉर अ सॉन्ग शूट एंड या आई विश्ड हिम ऑल द लक एंड द सॉन्ग इज वेरी नाइस। ऑफ कोर्स करूँगी, क्यों नहीं करूँगी, ऑफ कोर्स। पहला वाला ही बाहर नहीं है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट टू कम आउट एंड सो दैट वी कैन हॉप। कितना मजा आ रहा है, एक्स कंटेस्टेंट वापस आए हैं इसके अंदर।